क्योंकि आवर्ती अशांत दशमलव पढ़ाया था, याद है आप लोग को? आवर्ती अशांत दशमलव याद है क्या था बताइए? आवर्ती अशांत दशमलव, उसी पे प्रश्न करने हैं अभी। याद है अशांत में आवर्ती और अनावर्ती दो थे, आवर्ती क्या था? ठीक, जिसपे बार लगाते हैं याद होगा, दशमलव के बाद लगातार चलते रहेगा चलते रहेगा और रिपीटेशन के साथ चलेगा, ऐसे डेटा पे काम करना है। अब वी बॉड मास ही चलेगा लेकिन डेटा चेंज हो जाएंगे। आप लोगों को पढ़ाया था मैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव इसी को बोलते हैं अपरिमित, अशांत को ही आप बोलते हैं अपरिमित दशमलव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आप नॉन टर्मिनेटिंग या फिर इनफाइनाइट, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर इनफाइनाइट डेसिमल। तो अशांत का मतलब जो दशमलव के बाद चलता रहे कभी खत्म ही ना हो, अशांत, अशांत का मतलब जो दशमलव के बाद चलता रहे कभी खत्म ही ना हो, उसको बोलेंगे आप अशांत दशमलव। अब इसमें आवर्ती अशांत क्या था तो आपको याद होगा इसमें दो टाइप के थे, एक था आवर्ती और एक था अनावर्ती। तो फिलहाल बात कर रहा हूं मैं आवर्ती की। तो आवर्ती अशांत का मतलब आपने समझा था दशमलव के बाद चलता रहेगा कभी खत्म नहीं होगा, रिपीटेशन के साथ कभी खत्म नहीं होगा, याद है ना। अशांत का मतलब दशमलव के बाद जो शांत ही ना हो, अशांत का अगर आप सीधा सीधा मतलब समझो तो दशमलव के बाद जो शांत ही ना हो, चलता रहे उसी को बोलेंगे अशांत। उसमें आवर्ती का मतलब क्या था? रिपीटेशन पकड़ कर चलेगा, तीन का रिपीटेशन चालू हो गया कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। ये देखिए 0.676767667 का रिपीटेशन चालू हो गया जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा, चलते रहेगा। 0.251251251251 देख सकते हैं 251 का रिपीटेशन चालू हो गया जो कभी खत्म ही नहीं होगा। 0.3124 0.3467 6767 6767 6.28 28 28 28 ये सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। 4.12222 ये देखिए, ये सारे एग्जाम्पल्स जो लिखे हैं अशांत हैं, और अशांत में कौन सा है? आवर्ती। समझ आ रहा है? एकदम सिंपल सा मीनिंग, अशांत का मतलब जो दशमलव के बाद कभी शांत ही ना हो, चलता रहे अशांत का एकदम सीधा सा मीनिंग है जो दशमलव के बाद कभी शांत ही ना हो, चलता रहे कभी शांत ही नहीं होगा, उसको बोलेंगे अशांत। और इसमें बात कर रहा हूं मैं आवर्ती अशांत की। तो आवर्ती का मतलब रिपीटेशन पकड़ लिया है। यहाँ पे देखिए तीन का रिपीटेशन चालू हो गया, यहाँ पे 6-7 का रिपीटेशन चालू हो गया, यहाँ पे 2-5-1 का रिपीटेशन चालू हो गया, यहाँ पे 3-1-2-4 का रिपीटेशन चालू हो गया। रिपीटेशन एक अंक का हो, दो अंक का हो, तीन अंक का हो, चार अंक का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, रिपीटेशन होना चाहिए। यहाँ पे 3 का रिपीटेशन, यहाँ पे 6-7 का रिपीटेशन, यहाँ पे 2-5-1 का रिपीटेशन, यहाँ 3-1-2-4 का रिपीटेशन। तो रिपीटेशन होना बस चाहिए, एक अंक का हो तो भी चलेगा, दो अंक का हो, तीन अंक का हो, चार अंक का हो, तुरंत स्टार्ट ना होकर थोड़ा विलंब से स्टार्ट हो तो भी चलेगा। देख सकते हैं तुरंत स्टार्ट ना होकर थोड़ा विलंब से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए तुरंत स्टार्ट ना होकर थोड़ा विलंब से स्टार्ट हुआ है। तो रिपीटेशन होना चाहिए, वो रिपीटेशन एक अंक का हो, दो अंक का हो, तीन अंक का हो, चार अंक का हो, मतलब नहीं है, वो रिपीटेशन तुरंत स्टार्ट ना होकर थोड़ा देरी से स्टार्ट हो तो भी चलेगा। तो अशांत का मतलब जो दशमलव के बाद चलता रहेगा कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। उसमें आवर्ती का मतलब क्या था? रिपीटेशन के साथ चलेगा, तीन का रिपीटेशन, 6-7 का रिपीटेशन, 2-5-1 का रिपीटेशन, देखिए कभी खत्म ही नहीं होगा, तीन 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 आते रहेगा कभी खत्म ही नहीं होगा, 6-7 6-7 6-7 6-7 चलते रहेगा
कभी खत्म ही नहीं होगा। तो दो पांच एक दो पांच एक दो पांच एक दो पांच एक चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। हम लोग कभी कहां रिपीटेशन के साथ जो चलता है जो कभी खत्म ही नहीं होता है उसी को क्या बोलते हैं आप आवर्ती। शुरू हो गया था बताया था इसको बार के रूप में लिखा जाता है, दशमलव के बाद जो भी अंक रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगाते हैं। तीन रिपीट हो रहा है तो तीन के ऊपर बार, क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, छह सात तो छह सात के ऊपर बार, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है दो पांच एक तो दो पांच एक के ऊपर बार, यहाँ पे रिपीट हो रहा है तीन एक दो चार तो तीन एक दो चार के ऊपर बार, यहाँ पर रिपीट हो रहा है छह सात तो छह सात के ऊपर बार, यहाँ पर रिपीट हो रहा है दो आठ तो दो आठ के ऊपर बार, और यहाँ पर रिपीट हो रहा है दो तो दो के ऊपर बार। ये आवर्ती अशांत दशमलव को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये सब पढ़ा चुका हूं। ये सारी संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय? क्या आवाज नहीं आ रही? जितनी संख्याएं बोर्ड में लिखी हैं ये परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है ना। अपरिमेय केवल कौन सा होता है? अनावर्ती अशांत, बिना रिपीटेशन के चलते रहेगा चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। अनावर्ती अशांत को क्या बोले थे आप? अपरिमेय। ये संख्याएं परिमेय है ना। देखिए ये सारी बातें समझा चुका हूं, पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें समझा चुका हूं पहले ही पढ़ चुके हैं, देख लीजिए एक बार वापस से ऑनलाइन वाले। अशांत दशमलव को पढ़ाया था पहले ही। अशांत का मतलब होता है अपरिमित, दोनों एक ही नाम है। अशांत बोलो या अपरिमित बोलो एक ही बात है। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर आप क्या बोलते हैं इनफाइनाइट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर इनफाइनाइट डेसिमल, हिंदी में अशांत या अपरिमित। अब ये दो टाइप का था। सबसे पहले तो आप अशांत को समझिए। अशांत का मतलब जो दशमलव के बाद शांत ही ना हो, चलता रहे चलता रहे, जो दशमलव के बाद चलता रहे जो शांत ही ना हो उसको बोलेंगे अशांत। और अशांत में आवर्ती किसको बोलेंगे? दशमलव के बाद रिपीटेशन पकड़ लेगा कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे दो दशमलव तीन 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 चलते रहेगा कभी खत्म ही नहीं होगा, रिपीटेशन के साथ चल रहा है। तीन का रिपीटेशन 0.676767 चलते रहेगा रिपीटेशन के साथ चल रहा है कभी खत्म ही नहीं होगा। रिपीटेशन यहाँ पे किसका हो रहा है? 67 का। यहाँ पर रिपीटेशन किसका हो रहा है? 251 का। यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है 3124 का। कहने का मतलब रिपीटेशन एक अंक का हो सकता है, दो अंक का, तीन अंक का, चार अंक का, वो मैटर नहीं करता, रिपीटेशन होना चाहिए बस। तुरंत स्टार्ट ना होकर थोड़ा विलंब से भी स्टार्ट हो सकता है। देख सकते हैं 0.346767667 यहाँ देखिए 6.282828 यहाँ देखिए 4.12222 तो दशमलव के बाद जो रिपीटेशन को पकड़ ले कभी खत्म ही ना हो उसी को बोलते हैं आप आवर्ती अशांत, रेक्यूरिंग बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अब मैंने समझाया था इसको बार के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। देख सकते हैं दशमलव के बाद जो डेटा रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगाएंगे। तीन रिपीट हो रहा है तीन के ऊपर बार, 67 रिपीट हो रहा है 67 के ऊपर बार, 251 रिपीट हुआ 251 के ऊपर बार, 3124 रिपीट हुआ, यहाँ पर 67 रिपीट हुआ, यहाँ पर 28 रिपीट हुआ और यहाँ पर 2 रिपीट हुआ। समझ आ रहा है? अब प्रश्न कैसे बनेंगे? तो आज पूरे लेक्चर में ऐसे डेटा पर प्रश्न बनेंगे, ऐसे डेटा पर। यहां से प्रश्न पूछा भी गया था पिछले साल असिस्टेंट टीचर में, तो इम्पोर्टेंट भी है, व्यापम का एकदम पसंदीदा टॉपिक रहा है ये। व्यापम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं बार वाले डेटा पर एक प्रश्न व्यापम जरूर देता है। ऐसे डेटा आपको व्यापम के एग्जाम्स में, खासकर व्यापम के एग्जाम्स में आपको जनरली दिखाई देंगे ही। प्रश्न कैसे बनेंगे? पहला प्रश्न लिखिए, इसका शॉर्टकट ही बताऊंगा, लास्ट में एक प्रश्न का प्रोसीजर बता दूंगा मैं, लेकिन आपको शॉर्टकट से ही बनाना है इसको, इसका प्रोसीजर बहुत लेंदी हो जाता है, शॉर्टकट से ही बनाएंगे। शॉर्टकट कहां से आया उसको लास्ट में बताऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा। देखेंगे तो सीजीपीएससी मेंस का जो एग्जाम होता है, सीजीपीएससी मेंस का कभी एग्जाम देंगे तो उसका पहला टॉपिक यही है। सीजीपीएससी मेंस में जो मैथ्स वाला सेक्शन है उसका पहला टॉपिक यही है, वहां पर आपको प्रोसीजर पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए
बार वाले प्रश्नों को शॉर्टकट से ही बनाएंगे आप। एक प्रश्न का मैं पूरा प्रोसीजर बता दूंगा लेकिन लास्ट में बताऊंगा, अभी मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा। वो शॉर्टकट को ध्यान से समझेंगे, कौन कहां से आ रहा है उसका चिंता नहीं करेंगे, उसको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा मैं कि 9 कहां से आया, 0 कहां से आया। अभी जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे याद करते चलेंगे आप। उसका कारण आपको लास्ट में जाके समझ में आएगा कि 9 कहां से आ रहा है, 0 कहां से आ रहा है। शॉर्टकट जो भी बताऊंगा मैं वो आपको लास्ट में जब प्रोसीजर बताऊंगा वहां पर जाके समझ में आएगा। तो शॉर्टकट से ही बनाना है, प्रोसीजर बहुत लेंदी हो जाएगा, शॉर्टकट ही यूज करेंगे इसका। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। 0.3 बार को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करें, इसी को और कैसे पूछ सकता है, 0.3 बार को सरल करें, इसी को और कैसे पूछ सकता है 0.3 बार का वैल्यू क्या होगा। 0.3 बार को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करें, 0.3 बार को सरल करें, या 0.3 बार का वैल्यू क्या होगा, सीधे ऐसा पूछ सकता है। पहले तो प्रश्न का मतलब को समझो, प्रश्न का मतलब क्या है। प्रोसीजर पे आएंगे अपन लास्ट में, अभी मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा इसका। प्रश्न का मीनिंग को समझो पहले, तो प्रश्न का मीनिंग समझ में आना चाहिए। 0.3 बार को p बटे क्यू के रूप में क्या लिखेंगे, तो 0.3 बार का मतलब क्या होगा, 0.3333 चलते रहेगा। तो प्रश्न बोल रहा है इसको p बटे क्यू के रूप में क्या लिखूंगा मैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसको किससे भाग देने पर ऐसा डेटा मेरे को प्राप्त होगा। 0.3 बार का मतलब क्या हुआ, 0.3333 चलते रहेगा। इसको p बटे क्यू के रूप में क्या लिखूंगा ये पूछा है। कहने का मतलब किसको किससे भाग दूंगा तब जाके मेरे को ऐसा कुछ डेटा प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल देखना, 2.5 ये शांत दशमलव है, शांत है, दशमलव के बाद शांत हो गया, मतलब शांत दशमलव है। इसको p बटे क्यू के रूप में आप क्या लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे क्या, ढाई मतलब क्या, 5 का आधा। एकदम सिंपल सा डेटा है जो कि आप जनरली बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। ढाई को आप क्या लिखेंगे, 5/2। तो 2.5 का p बटा q का रूप क्या होगा, 5/2। समझ आ रहा है, 2.5 का p बटा q का रूप क्या होगा, 5/2। कहने का मतलब 2.5 कैसे प्राप्त होगा, 5 को 2 से भाग देने पर। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाहता हूं, 2.5 कैसे प्राप्त होगा। तो आपने बोला 5 को 2 से भाग देने पर 2.5 प्राप्त होगा, वैसे ही किस संख्या को किस संख्या से भाग देने पर 0.3333 ऐसा मेरे को प्राप्त होगा। प्रश्न का मीनिंग समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। 2.5 एक डेटा है, मैंने बोला इसका p बटे q का रूप क्या होगा, तो आपने बोला 5/2, 5 को 2 से भाग दूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 2.5। तो 2.5 का p बटा q का रूप आप बोल सकते हैं 5/2 होगा। वैसे ही 0.3 बार, कहने का मतलब 0.3333 चलते रहेगा, इसका p बटे q का रूप मतलब किस संख्या को किस संख्या से भाग दूं जिससे मेरे को ऐसा कुछ डेटा प्राप्त हो जाए। प्रश्न का मीनिंग समझ आ रहा है। अब इसका शॉर्टकट क्या है, ध्यान से समझना इसका शॉर्टकट क्या है। आप क्या करना, सबसे पहले दशमलव और बार को हटाकर, अपने मन में डेटा को रीड करना, दशमलव और बार को हटा दीजिए। दशमलव और बार को हटाऊंगा तो डेटा क्या बनेगा, 3 लिख दीजिए, 3। ध्यान से समझेंगे, एक प्रश्न यहां से आता ही है, दशमलव और बार को हटा दीजिए। दशमलव और बार को हटाएंगे तो डेटा क्या बनेगा, 3 लिख दीजिए, 3। इसके बाद डिनोमिनेटर का, हर का जुगाड़, नीचे का जुगाड़ लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा हूं, दशमलव और बार को हटाकर एज इट इज लिख दीजिए। तो दशमलव और बार को हटाकर एज इट इज लिखूंगा क्या बनेगा, 3। आप खुद सोचो ना, दशमलव और बार नहीं है तो ये क्या बनेगा, 0, 3। कहने का मतलब क्या, 3 लिख दिया, 3।
इसके बाद क्या करना, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार है नीचे उतना 9 लिख देना, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार है नीचे उतना 9 लगा देना। अब ये 9 कहां से आया है, क्यों 9 ही लगाते हैं, ये आपको प्रोसीजर से समझ में आएगा। तो प्रोसीजर जब बताऊंगा वहां पे क्लियर होगा कि 9 ही क्यों लगाते हैं आप। लेकिन फिलहाल ये याद रखो, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार है नीचे उतना 9। तो दशमलव के बाद एक अंक पे बार है ना, तो नीचे 1 9 लगा दो, ये हो गया 3/9। इसी को आप क्या लिखेंगे, 1/3। समझ पा रहे हैं, वापस से देख लीजिए क्या बोल रहा हूं। एज इट इज पहले लिख दो दशमलव और बार हटाकर, तो दशमलव और बार हटाकर एज इट इज में लिख दिया, तो दशमलव और बार हटाकर क्या बनेगा, 3 बनेगा, लिख दिया एज इट इज 3। इसके बाद नीचे का जुगाड़ लगाना, डिनोमिनेटर का, हर का जुगाड़ लगाना, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार है नीचे उतना 9। तो दशमलव के बाद एक अंक पे बार है तो नीचे 1 9 लगा दीजिए। 3/9 कहने का मतलब क्या हो गया, ये 1/3। आप 1 को 3 से भाग दे के देखिए, यही मिलेगा आपको, 1 को 3 से भाग दे के देखिए, ये देखिए 1/3। 1 को भाग देता हूं 3 से, कितने बार जाएगा, 0 बार ऐसा आएगा, दशमलव का 0 कितने बार जाएगा, 3 बार, कितना बचा 1, फिर से दशमलव का 0 कितने बार जाएगा, 3 बार, कितना बचा 1। कहने का मतलब 0.3333 चलते रहेगा, चलते रहेगा। वापस से देख लीजिए प्रश्न मेरा क्या था, 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। कहने का मतलब यह था कि किस संख्या को किससे भाग दूं जिससे कि ये डेटा मेरे को प्राप्त हो जाए। इसका शॉर्टकट ही बता रहा हूं मैं, शॉर्टकट क्या है, एज इट इज दशमलव और बार को हटाकर यहां पे लिख देना, तो क्या लिख दिया मैं 3। इसके बाद नीचे का जुगाड़ लगाना, हर का, दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नीचे उतना 9, दशमलव के बाद एक अंक पे बार है तो नीचे 1 9 लगा दीजिए। और एग्जांपल देखिए, समझ आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा अभी। 0.67 पे बार है तो आप क्या करेंगे, एज इट इज रीड करो दशमलव और बार हटाकर, दशमलव और बार हटाकर डेटा को एज इट इज रीड करूंगा क्या आएगा, 67, लिख दिया 67। इसके बाद नीचे का जुगाड़ लगाएंगे, डिनोमिनेटर का, हर का, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है तो नीचे कितना लगा दीजिए, 2 9 लगा दीजिए। समझ आ रहा है, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नीचे उतना 9 लगाना है। डेटा को एज इट इज लिखना है, पहले दशमलव और बार हटाकर डेटा को एज इट इज लिखिए, तो दशमलव और बार हटाकर डेटा को एज इट इज लिखा तो क्या बन गया, 3। इसके बाद नीचे का जुगाड़ कैसे लगाएंगे, तो दशमलव के बाद जितने अंक पे बार है नीचे उतना 9। एक अंक पे बार है तो 1 9, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है तो 2 9 बन जाएगा। ये देखिए 0.251 पूरे पे बार है, क्या लिखेंगे इसको, 0.251 पूरे पे बार है, क्या लिखेंगे इसको, दशमलव और बार हटाकर पूरे को रीड करिए, तो दशमलव और बार हटाकर पूरे को रीड किया तो क्या बनेगा, 251। दशमलव के बाद 3 अंक पे बार है तो नीचे क्या लगाएंगे, 3 9 बन जाएगा। ये देखिए 0.3124 पूरे पे बार है, दशमलव और बार हटाकर पूरे को रीड करिए, कितना आएगा, 3124। दशमलव के बाद 4 अंक पे बार है तो नीचे क्या लगा दीजिए, 4 9। यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है धर्मेंद्र, उसका आंसर 6.85 आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस शीट का जो प्रश्न था बनेगा। यहां तक चेंजेस आएगा, मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, सारे वैरायटी के प्रश्न आपको अभी मैं बोर्ड पे ही बता दे रहा हूं, उससे बाहर कुछ रहेगा नहीं, इसके बाद केवल प्रैक्टिस करेंगे अपन। ऑप्शंस भी बाहर में रहते हैं कभी कभी, ऐसे प्रश्न भी कराऊंगा किस हिसाब से आपको सॉल्व करने होंगे। फिलहाल वो सब छोड़िए, P/Q के रूप में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। वापस से देख लीजिए क्योंकि अभी फिर से चेंजेस होगा, 2-3 लाइन एक्स्ट्रा भी ऐड करनी पड़ेगी आपको। दशमलव और बार हटाकर एज इट इज लिखा 3, दशमलव और बार हटाकर एज इट इज लिखा 67, दशमलव और बार हटाकर एज इट इज लिखा 251,
दशमलव और बार हटाकर एज इट इज लिखा 3124। आप ऐसा देखना कि दशमलव और बार है ही नहीं, तो तीन है, 67 है, 251 है, 3124 है। इसके बाद नीचे का जुगाड़, डिनोमिनेटर का हर का जुगाड़ लगाना, दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नीचे उतना 9, एक अंक पे बार तो 19, दो अंक पे बार तो 29, तीन अंक पे बार तो 39, चार अंक पे बार तो नीचे 49। बन जाएगा यहां तक। चलिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखिए 0.47 बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर। थोड़ा सा चेंज किया हो, बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर। ध्यान से समझिए, पहले दशमलव और बार हटाकर एज इट इज रीड करिए, तो दशमलव और बार हटाकर एज इट इज रीड करेंगे कितना आएगा, 47 आएगा। पहला स्टेप तो बहुत आसान है, दशमलव और बार को हटाकर एज इट इज लिख दीजिए कितना है, 47। अब नीचे का जुगाड़, दशमलव के बाद एक अंक पे बार है तो नीचे कितना आएगा, 19। दशमलव के बाद एक अंक छूट रहा है जिसपे बार नहीं है तो नीचे कितना आएगा, 10। ध्यान से समझेंगे, अब क्या बोल रहा हूं मैं, नीचे 9 और 0 आएगा, नीचे 9 और 0। दशमलव के बाद ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद जितने अंक पर बार उतना 9, तथा दशमलव के बाद जितना अंक छूटेगा, कहने का मतलब जिसपे बार नहीं होगा, दशमलव के बाद जितना अंक छूटेगा उतना 0। तो नीचे 9 और 0 आएगा, एकदम क्लियर करेंगे पूरे टॉपिक में, नीचे 9 और 0 आएगा, 9 और 0। तो नीचे 9 और 0 जो आएगा, ये दशमलव के बाद वाले अंकों पे डिपेंड करेगा। दशमलव के बाद एक अंक पे बार तो 19, दशमलव के बाद एक अंक छूटा तो 10। नीचे 9 और 0 आता है, दिमाग में बैठा लीजिए, दशमलव के बाद वाले अंकों पर डिपेंड करेगा। नीचे 9 और 0 जो है, ये दशमलव के बाद वाले अंकों पर डिपेंड करेगा, दशमलव के बाद वाले अंकों पर। ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद वाले अंकों पर डिपेंड करेगा। नीचे 9 और 0 जो है, दशमलव के बाद वाले अंकों पर डिपेंड करेगा। दशमलव के बाद एक अंक पे बार तो 19, एक अंक छूट रहा है तो 10। यहां देखिए, दशमलव के बाद एक अंक पे बार था 19, कुछ छूटा क्या, नहीं छूटा। दो अंक पे बार था 29, कुछ छूटा क्या, नहीं छूटा। तीन अंक पे बार था 39, कुछ छूटा क्या, नहीं छूटा। चार अंक पे बार था 49। एक स्टेप और इसी में ऐड होगा, ध्यान रखिएगा, जिसपे बार नहीं होगा उसको ऊपर वाले से माइनस भी करना है। जिसपे बार नहीं होगा, जो बार से एकदम फ्री होगा, बार जिस पर नहीं होगा उसको ऊपर वाले से माइनस करना है, इतना ध्यान रखना है आपको। वापस से बोल दे रहा हूं, सबसे पहला स्टेप क्या है, एज इट इज लिख दीजिए, दशमलव और बार हटाकर कितना लिखे, 47। इसके बाद नीचे का जुगाड़ लगाइए, डिनोमिनेटर का, दशमलव के बाद एक अंक पे बार तो 19, एक अंक छूटा तो 10। जिस पे बार नहीं होगा वो पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, तो बार किस पे नहीं है, 4 पे, तो 4 माइनस हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, 43/90। समझ आ रहा है, नीचे 9 और 0 आएगा, ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद वाले अंकों पर डिपेंड करेगा। नीचे 9 और 0 जो आएगा, ये दशमलव के बाद वाले अंकों पर डिपेंड करेगा, दशमलव के आगे वाले, दशमलव के बाद वाले। दशमलव के बाद जितने अंक पे बार उतना 9, जितना अंक छूटेगा उतना 0। बनेगा, देखिए 0.251 पे बार लगा दिया हो, 0.251 बार किसके ऊपर है, 51 के ऊपर। एज इट इज रीड करिए, दशमलव और बार हटाकर क्या बनेगा, 251 लिख दिया, 251 होगा ऐसा। एज इट इज रीड करिए, 251 लिख दिया, 251। इसके बाद नीचे का जुगाड़ लगाना, दशमलव के बाद कितने अंक पे बार है तो 2×9 लिख दीजिए, कितना अंक छूट रहा है तो 1×0 लिख दीजिए, और जो छूट रहा है उसको माइनस। समझ पा रहे हैं बात को,
एकदम आसान है। सबसे पहला काम एज इट इज लिख दीजिए आप डेटा को दशमलव और बार हटाकर 251 आया। इसके बाद नीचे का जुगाड़ डिनोमिनेटर का मतलब हर का दशमलव के बाद जितने अंक पर बार है उतना 9, दो अंक पे बार है तो 2 9, एक अंक छूट रहा है तो 1 0, जो छूटेगा वो माइनस होगा, जिसपे बार नहीं होगा वो तो ऊपर वाले से माइनस होगा ही, जिसपे बार नहीं होगा। यहां पर कुछ माइनस नहीं हुआ, कुछ है ही नहीं, यहां पर भी कुछ माइनस नहीं हुआ, कुछ है ही नहीं, यहां पर भी, इन दोनों में भी कुछ माइनस नहीं हुआ, यहां पे 4 माइनस हुआ, यहां पर कितना माइनस हुआ 2, यहां पर एक अंक पे बार है तो 1 9, कुछ छूटा ही नहीं है, यहां 2 अंक पे बार है तो 2 9, 3 अंक पे बार है तो 3 9, 4 अंक पे बार है तो 4 9, यहां देखिए 1 अंक पे बार है तो 1 9, एक अंक छूट रहा है तो 1 0, 2 अंक पे बार है तो 2 9, एक अंक छूट रहा है तो 1 0, समझ पा रहे हैं। नीचे 9 और 0 जो आएगा, अभी देखना कंफ्यूजन होता है इसलिए लिख दिया हूं, नीचे 9 और 0 जो आएगा दशमलव के बाद वाले मतलब आगे वाले अंकों पर डिपेंड करेगा, दशमलव के बाद वाले आगे वाले अंकों पर डिपेंड करेगा। दशमलव के बाद 1 अंक पे बार तो 1 9, एक अंक छूटा तो 1 0, 2 अंक पे बार तो 2 9, एक अंक छूटा तो 1 0, जिसपे बार नहीं होगा वो ऊपर वाले से माइनस होगा। बनेगा यहां तक? देखो और एग्जांपल्स अभी आएंगे प्रश्न में, आप लोग बनाएंगे प्रश्नों को, मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं। 0.2434 बार किसके ऊपर है? 3 4 के ऊपर। एज इट इज लिखेंगे पूरे को, दशमलव और बार हटाकर एज इट इज लिख दीजिए, क्या आएगा? 2434 आएगा ऐसा। दशमलव के बाद कितने अंक पे बार है? 2, तो 2 9, 2 अंक छूटा तो 2 0, और क्या छूटा? 24, 24 को माइनस। समझ आ रहा है? जिसपे बार नहीं है वो सीधे सीधे माइनस हो जाएगा, तो बार किस पे नहीं है? 24 पे, तो 24 सीधे सीधे माइनस हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है यार, एज इट इज लिख दिया, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार तो 2 9, 2 अंक छूटा तो 2 0, जिसपे बार नहीं है वो पूरा पूरा माइनस। 4 में 4 जाएगा कितना बचेगा? 0, 3 में 2 जाएगा 1, 2410 बटा 9900। अब एक बात समझो, जब प्रश्न करेंगे तो कटपिट करके न्यूनतम रूप में आपको आंसर बताना होगा, प्रश्न जब करेंगे तो ऐसा कटपिट करना पड़ेगा आपको। फिलहाल उस पर ध्यान मत दीजिए, अभी केवल ये समझिए कि P बटे Q में कन्वर्ट कैसे करना है। जब प्रश्न आप लोगों को करने के लिए दूंगा वहां पे कटपिट करना ऊपर नीचे, न्यूनतम रूप में आंसर बताना आप, क्योंकि ऑप्शन हमेशा न्यूनतम रूप में रहेंगे, ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आप लोग जब प्रश्न करेंगे वहां पे कटपिट करके मेरे को न्यूनतम रूप में आंसर बताना, लेकिन फिलहाल आप P बटे Q में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सीखो। ये सब में दिमाग मत लगाओ कि सर कटेगा और कटेगा क्या, वो सब छोड़ो, अभी केवल ये ध्यान दो कि P बटे Q में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जब प्रश्न दूंगा तो वहां पे कटपिट करके आप आराम से मेरे को फाइनल आंसर बताना। बनेगा यहां तक? एज इट इज रीड किया, 2434 लिख दिया, ये देखिए। इसके बाद नीचे का जुगाड़ लगाना, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार तो 2 9, 2 अंक छूटा तो 2 0, और जो छूटा उसको माइनस। बनेगा यहां तक? इसका आंसर बताओ क्या आएगा, P बटे Q के रूप में बताओ, आप लोग लिख के बताइए P बटे Q के रूप में क्या आएगा। कटपिट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे मेरे को P बटे Q के रूप में बताइए क्या आएगा। 371/900। बनाओ, अभी प्रैक्टिस करना है बहुत सारे प्रश्नों में आप लोग को। 371/900 ज्योति, ठीक है, गजेंद्र, धर्मेंद्र, सरोज, ठीक है, अनुराधा, सरोज, आया 371/900। बन रहा है ना? ध्यान रखिए पूरे अगले 1 घंटे यही सब काम करना है आपको, ध्यान रखिएगा। पूरे डेटा को रीड करिए, दशमलव और बार हटाकर क्या बनेगा? 412 लिख दीजिए। इसके बाद नीचे का जुगाड़ लगाइए, दशमलव के बाद 1 अंक पे बार है तो 1 9, दशमलव के बाद 2 अंक छूट रहा है तो 2 0, और जो छूटा उसको माइनस। सिंपल है, देखिए एज इट इज रीड करिए, इसके बाद नीचे का जुगाड़ लगाइए, नीचे 9 और 0 आएगा जो कि दशमलव के बाद वाले अंकों पर डिपेंड करेगा,
दशमलव के बाद जितने अंक पे बार उतना 9, जितना अंक छूटेगा उतना 0, और जो छूटेगा उसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा ये 371/900 बनेगा। ऐसा कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए तीन एग्जांपल लिख रहा हूं अब मैं, देख लीजिए किसी भी डेटा में डाउट है तो पूछ सकते हैं। जो मैंने बोला सारे प्रश्नों में वही काम किया है मैंने, एज इट इज लिख दो दशमलव और बार हटाकर नीचे का जुगाड़ लगाओ, नीचे 9 और 0 जो कि दशमलव के बाद वाले अंकों पर डिपेंड करेगा, जिस पे बार नहीं होगा वो ऊपर वाले से माइनस हो जाएगा। देखिए तीन एग्जांपल लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है और ये तीसरा एग्जांपल है। तीनों को ध्यान से समझिए, मैं ही बता रहा हूं, आप लोग इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसको पी बट्टे क्यू में कन्वर्ट करना है, पूरे को रीड करो, दशमलव और बार हटाकर क्या बनेगा? 180 बनेगा ना, 180 बनेगा दशमलव और बार हटाकर, लिख दिया 180, लिखा ऐसा। नीचे 9 और 0 आता है, दशमलव के बाद वाले अंकों पे डिपेंड करेगा, दशमलव के बाद कितने अंक पे बार है, तो नीचे 2 ठो 9, नीचे 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। नीचे इसका 0 मत उतार देना, इसका 0 मत उतार देना नीचे। मैंने क्या बोला, नीचे 9 और 0 आएगा जो कि दशमलव के बाद वाले अंकों पर डिपेंड करेगा, दशमलव के बाद वाले अंकों पर, दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नीचे उतना 9, दशमलव के बाद जितना अंक छूटेगा नीचे उतना 0, तो नीचे 2 ठो 9 आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है तो नीचे 2 9, 0 नीचे नहीं आएगा। लेकिन जो बार से फ्री होगा वो तो माइनस होगा ही, वो किधर भी हो, उधर हो चाहे इधर हो, जिस पे बार नहीं होगा उसको तो माइनस करना ही है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, 179/99। समझ आ रहा है? जिस पे बार नहीं होगा वो तो माइनस होगा ही, चाहे वो किधर भी हो, उधर हो इधर हो, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है, जिस पे बार नहीं होगा उसको माइनस करना है। अब देखिए पूरी कहानी खत्म हो गई, इतना ही था इसमें, अब एकदम क्लियर हो गया। एज इट इज लिख दो, पहले नीचे का जुगाड़ लगाओ, दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नीचे उतना 9, जितना अंक छूटेगा नीचे उतना 0। समझ आ रहा है? दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नीचे उतना 9, दशमलव के बाद जितना अंक छूटेगा नीचे उतना 0, जिस पे बार नहीं होगा उसको माइनस करना है आपको। समझ आ रहा है? जिस पे बार नहीं होगा उसको माइनस करना है। एज इट इज पूरे को रीड करो, 180 लिख दिया 180, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है तो 2 9, इसका 0 नीचे मत लिखना, नीचे 9 और 0 जो आएगा दशमलव के बाद वाले अंक पर आधारित होगा, बार बार बोल रहा हूं, दशमलव के बाद वाले अंक पर आधारित होगा, लेकिन माइनस तो करना है, जिस पे बार नहीं होगा उसको माइनस तो करना है, चाहे वो किधर भी रहे। यहां देखिए एज इट इज रीड करिए, इसको कितना बनेगा ये 23, नीचे क्या आएगा 9 आएगा बस, दशमलव के बाद 1 अंक पे बार है तो 1 9, 0 आएगा क्या, लेकिन माइनस करेंगे कितना 21/9, काटेंगे तो वैसे 7/3 आ जाएगा। ये समझ पा रहे हैं? बन जाएगा नीचे 2 ठो 9 आएगा, नीचे 1 ठो 9 आएगा, इसका 0 नीचे मत चिपका देना, इसका 0 नीचे मत चिपका देना, नीचे 9 और 0 आएगा जो कि दशमलव के बाद वाले अंकों पर आधारित होगा। दशमलव के बाद 2 अंक पे बार था 2 ठो 9, 1 अंक पे बार था 1 ठो 9। समझ आया यहां तक? इसको देखना और जो डाउट दिमाग में चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। पूरे को रीड करो, कितना आएगा 412 आएगा, 412। दशमलव के बाद कितने अंक पे बार है तो 1 9, दशमलव के बाद 1 अंक छूट भी रहा है 1 0, माइनस कितना 41। समझ आ रहा है? 41, जिसपे बार नहीं है वो पूरा पूरा माइनस। ये देखिए जिसपे बार नहीं है वो पूरा पूरा माइनस, चाहे वो किधर भी हो, दोनों साइड है तो मिला के माइनस हो जाएगा 41, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस, जिसपे बार नहीं है वो पूरा पूरा माइनस होगा हर बार। ये देखिए 1 पे बार नहीं था 1 माइनस, 2 पे बार नहीं था 2 माइनस, 41 पे बार नहीं था 41 माइनस। समझ आ रहा है? मैटर नहीं करेगा, वो पूरा माइनस करेंगे आप, जिस पे बार नहीं होगा वो पूरा माइनस हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये देखिए जैसे एक और एग्जांपल, कितना आएगा ये 371,
बटा 90। समझ आ रहा है? सिंपल सा है एकदम। दो तीन स्टेप्स हैं, दिमाग में बैठाना है। माइनस तो होगा पूरा पूरा, जिसपे बार नहीं है वो पूरा पूरा माइनस होगा, जिसपे बार नहीं है वो पूरा पूरा माइनस होगा, जिसपे बार नहीं है वो पूरा पूरा माइनस होगा। समझ आ रहा है? तो बार यहां पे एक पे नहीं है तो एक माइनस हुआ, दो पे नहीं है दो माइनस हुआ, 41 पे नहीं है 41 माइनस हुआ। नीचे 9 और 0 आता है जो कि दशमलव के बाद वाले अंकों पे डिपेंड करेगा। दशमलव के बाद दो अंक पे बार, 2 9 एक अंक पे बार, 1 9 एक अंक पे बार, 1 9 एक अंक छूटा, 1 0 बन जाएगा यहां तक। राकेश आपका जो डाउट है, लेफ्ट वाले अंक पे अगर बार हुआ तो क्या होगा? पॉसिबल ही नहीं है कैसा हो पाए, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है? ऐसे डेटा आपको प्रश्न में दिखाई देंगे, अगर आप बुक पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल का तो ऐसा डेटा दिखाई देगा। ये विनकुलम को शो करेगा, पढ़ा दूंगा वैदिक मैथ से। ये रिपीटेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप खुद सोचो ऐसा पॉसिबल है क्या? 4.1 बार फिर 2 आ गया, 1 रिपीट हो रहा है हो रहा है हो रहा है, अचानक से 2 कहां से आ जाएगा? फिर जब 1 रिपीट ही हो रहा है तो 2 कहां से आ जाएगा? फिर तो संभव नहीं है कि बार एक पे रहे दो पे ना रहे, संभव नहीं है ये। आप खुद सोचो ऐसा कैसे संभव है, ये देखो फिर अचानक से 2 आ जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ऐसा कोई डेटा आपको मिले ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा डेटा बुक में दिखाई देगा, लेफ्ट वाले डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले अंक पे बार होगा, तो ये रिपीटेशन को नहीं बताएगा, ये विनकुलम को बताता है। इसको लिखवा दूंगा मैं, इसका वैल्यू ये हो जाता है -4 + 0.12। दिमाग मत लगाइए, इसको बता दूंगा आगे चलकर। रिपीटेशन में ऐसा संभव नहीं है, रिपीटेशन में केवल ऐसा ही संभव होगा। समझ आ रहा है? रिपीटेशन में जो लिखा वो संभव नहीं है। हाँ, वही बता रहा हूं राकेश साहू, वैदिक मैथ से ये 4.13, 4 में अगर बार है तो -4 + 0.13, वेरी गुड, ये लिखेंगे वैदिक मैथ से। अलग से नोट करके लिखवा दूंगा मैं, कहां से आया वो समझा भी दूंगा मैं, विनकुलम चिन्ह को बताएगा वो, उसको अलग से लिखवा दूंगा मैं। रिपीटेशन में वो संभव नहीं है जो आप बोल रहे हैं, बन जाएगा ये एज इट इज। लिखो, लिख दिया एज इट इज, देख सकते हैं आप 180, दशमलव के बाद दो अंक पे बार तो 2 9, कुछ छूटा नहीं है, 0 नहीं आएगा, 1 को माइनस कर दीजिए। एज इट इज लिखा 23, दशमलव के बाद एक अंक पे बार है 1 9, 2 को माइनस कर दीजिए। एज इट इज लिखा 412, दशमलव के बाद एक अंक पे बार है तो 1 9, 1 अंक छूटा तो 1 0, और माइनस क्या होगा 41, बन जाएगा। एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए बस, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके। 2.346 पे बार है, देखो एज इट इज लिखो इसको पूरे को, कितना लिखेंगे 2346 लिखूंगा ना, 2346। दशमलव के बाद कितने अंक पे बार है तो 2 9, दशमलव के बाद कोई छूट रहा है क्या, 1 0, माइनस क्या करूंगा, हो गया। समझ आ रहा है? बन जाएगा। जिसपे बार नहीं है वो तो पूरा पूरा माइनस होगा, तो बार किस पे नहीं था यहां पे देखिए 23 पे, तो 23 पूरा पूरा माइनस हो जाएगा। एज इट इज लिखा 2346, इसके बाद नीचे का जुगाड़ लगाना, दशमलव के बाद दो अंक पे बार तो 2 9, एक अंक छूटा तो 1 0, जिस पे बार नहीं है वो एज इट इज पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, 23 माइनस हो गया, कितना जाएगा 2323 डिवाइड बाई कितना 990, बन जाएगा यहां तक, बनेगा। सारे एग्जांपल्स, लगभग सारे वैरायटी के एग्जांपल्स लिखवा दिया हूं मैं, जिस पे बार नहीं उसको माइनस करना है, दिमाग में बैठ गया है ये, जिस पे बार नहीं उसको माइनस करना है, जिस पे बार नहीं है वो माइनस होगा, चाहे वो किसी भी साइड रहे उसको पूरा पूरा माइनस करना है ऊपर वाले से। नीचे 9 और 0 जो आएगा ये दशमलव के बाद वाले अंकों को देखकर लगाएंगे, दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नीचे उतना 9, जितना अंक छूटेगा नीचे उतना 0, इतना सा बात है बस। करें क्वेश्चंस फिर, चलिए विभाजिता के नियम करके एक टॉपिक आएगा, वो पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा। फिर विभाजिता के नियम करके एक टॉपिक आएगा, कैलकुलेशन सीखने के बाद ये टॉपिक आएगा, जहां पे आप 20 तक के पूरे नियम देखेंगे,
20 तक के पूरे नियम देखेंगे, ओरली याद हो जाएगा आपको, मतलब इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये किससे भाग जाएगा कि भाग नहीं जाएगा। तो अभी जितना बन रहा है ना प्रैक्टिस करते रहिए, आगे चलकर ये सब टॉपिक जब आएंगे ना तो आपका कैलकुलेशन और क्लियर हो जाएगा, स्पीड और बढ़ेगा आपका। इसको देख के बता देंगे कि दो से नहीं जा रहा है, समझ आ रहा है, तीन से नहीं जा रहा है, चार से नहीं जा रहा है, पांच से नहीं जा रहा है, देख के बता देंगे आप। तो विभाज्यता के नियम में 20 तक के नियम तो पूरे पूरे याद हो जाएंगे आपको, उसके अलावा बड़ी बड़ी संख्याओं के नियम को आप खुद से बना लोगे, 72, 88, 99 बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, 44, 24, 36 ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इनके नियम खुद से निकाल लोगे, खुद से बना लोगे आप। कंसेप्ट पूरा सिखाऊंगा, एलसीएम पूरा घुसेगा इसमें, एलसीएम पूरा घुसेगा इसमें, तो सिखाऊंगा आगे चलकर। फिलहाल जितना काट पा रहे हैं काटिए उसको, धीरे धीरे करके कैलकुलेशन सीख जाएंगे। कैलकुलेशन देखिए ठीक होगा प्रैक्टिस से ही, समझ आ रहा है, घर में जाके खुद से बनाया करो हर क्वेश्चन को। जिनका भी कैलकुलेशन थोड़ा भी कमजोर है, घर में जाके वापस से उन्हीं प्रश्नों को खुद से बनाया करो। यहाँ पे मैं कटपिट कर रहा हूं, घर जाके आप खुद से कटपिट करिए, अपने हिसाब से कटपिट करिए, मेरे हिसाब से मत करिए, मैं 9 से काटा आप 3 से काटो उसको, समझ आ रहा है, आप खुद से कटपिट करो, कैलकुलेशन को कॉपी मत करो, कैलकुलेशन में खुद से एफर्ट मारो, तब जाके कैलकुलेशन आपका ठीक होगा, और कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए तभी तो आंसर आएगा, समझ आ रहा, बिना कैलकुलेशन के आंसर तक कैसे पहुंच पाएंगे आप। और धीरे धीरे चलकर जब बेसिक पूरा हो जाएगा, लगभग सप्ताह भर के अंदर में बेसिक पूरा हो जाएगा आपका, तो सप्ताह भर के अंदर में आपको दिखेगा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपका बढ़ गया है। ये टॉपिक जिस दिन खत्म हुआ ना, उस दिन आपको लगेगा कटपिट करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसको पढ़ेंगे आगे चलकर। फिलहाल जितना कटपिट कर पा रहे हैं कटपिट करिए इसको, पी बटे क्यू में तो कन्वर्ट कर पाएंगे ना। अब ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्नों के ऑप्शन दूंगा मैं, सारे प्रश्नों के, तो आप लोग को कट पिट करके फाइनल आंसर बताना है। जैसे 21/9 ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन में क्या रहेगा, 7/3। ध्यान रखिएगा, हमेशा न्यूनतम रूप में रेशियो बताएंगे आप, तो ऑप्शन में 21/9 नहीं रहेगा, आपका 21/9 आया तो उसको कट पिट करके कितना बताएंगे, 7/3। तो सारे प्रश्नों के ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन को ध्यान से देखना और आंसर बताना मेरे को। पहला प्रश्न लिखो आप लोगों के लिए, 0.57 आराम से ऑप्शन देख के बताना, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से ऑप्शन देख के बताना भाई। आराम से ऑप्शन देख के बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को, सही आंसर देना बस। क्या रहा है बाकी लोग का ऑप्शन डी, आ गया ऑप्शन डी, किसी का सी भी आ रहा है क्या? कट पिट करके फाइनल आंसर बताना मेरे को। सुरेखा, सुनील, बी कैसे आएगा? देखो यार ऑप्शन को आराम से देखो, ऐसा नहीं कि 52 है तो 52 वाला ऑप्शन देख रहे हो आप, ऑप्शन काटो, 2 से काटो उसको, 2 से काटोगे तो मैच हो जाएगा, 2 से काटो यार, अभी तो बोल रहा था कि कट पिट करके फाइनल आंसर बताना है आपको। 52/90 आ रहा होगा, 2 से काटे होंगे तो 26/45 आएगा, समझ आ रहा है, वो कट पिट तो करना पड़ेगा ना आप लोग को। 52/90 आ रहा होगा, 2 से कट करिए उसको ऊपर नीचे, कितना आ जाएगा, 26/45। अब 52/90 है तो 52/9 को तो टिक करेंगे नहीं आप, 52/90 है तो 52/99 को तो टिक करेंगे नहीं आप, ऐसा थोड़ी कि आधा आधा मैच हो जा रहा है आपका, 52 तो दिख रहा है कम से कम, तो बी और सी का तो सवाल ही नहीं उठता, और ए तो होगा ही नहीं। 52/90, 2 से काटे हैं उसको, कितना आएगा, 26/45। एज इट इज लिखिए इसको, दशमलव और बार को हटाकर एज इट इज लिखिए, कितना आएगा, 57, लिख दीजिए 57। दशमलव के बाद कितने अंक पे बार है, 1, तो 1 9। दशमलव के बाद कितना अंक छूटा, 1, तो 1 0, और जो छूटा उसको माइनस,
जिसपे बार नहीं है वो तो माइनस होगा, तो बार किस पे नहीं है, पांच पे, पांच माइनस होगा। नीचे नौ और जीरो आता है, दशमलव के बाद एक अंक पे बार है तो एक नौ, एक अंक छूटा तो एक जीरो, कितना आ जाएगा ये 52/90। 52/90 ऑप्शन में नहीं है, दो से काटो इसको, 26 और ये कितना आएगा 45, तो आंसर हो जाएगा 26/45। तो ऑप्शन देख के आराम से बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को। बनेगा यहां तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कहां से आया नौ, कहां से आया जीरो, ये सब पे बात करेंगे अपन। एक प्रश्न पूरा बताऊंगा डिटेल में, नौ कहां से आया, जीरो कहां से आया, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। फिलहाल जो बताया हूं, ये सारी बातें समझाया हूं, उसको याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन लिखो, 1.36 पे बार है, 1.36 पे बार है, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, कट पिट करके फाइनल आंसर बताना आप मेरे को। अभी जो लेट आए थे वो कौन थे, वो कैसे लेट आए हैं, आज पहला क्लास है, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, क्योंकि अब तो जो होना था हो गया, सब तो समझा ही दिया हूं मैं, अब केवल प्रैक्टिस चल रहा है, बैठिए आराम से, तो रिकॉर्डिंग्स देखिएगा इसका तो समझ में आएगा आपको, क्योंकि पूरी कहानी अभी तक मैं ही बता रहा था, ये अब केवल आप लोग के लिए कैलकुलेशन करना है आप लोग को, तो समझ में अब नहीं आएगा आपको, अगले आधे घंटे आपको समझ में बहुत कम आएगा, रिकॉर्डिंग्स देखिएगा घर जाके, और समय पे आने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथ्स में शुरुआत के आधे घंटे में ही जो होना है होगा, उसके बाद तो आप लोग के लिए काम रहता है। ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए, नौ से काट दो सीधे सीधे कट जाएगा, या फिर आप क्या करो तीन से काटो, ए आएगा, ठीक है। प्रीति जो लेट हुए हैं वो रिकॉर्डिंग्स देखना भाई, क्योंकि पूरा रिवाइज कराना संभव नहीं है, एक घंटा तक पूरा प्रैक्टिस ही करा रहा था, तो पूरा रिवाइज करा पाना संभव नहीं है, रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। जसमीत आप भी, ऑप्शन ए 15/11 बन जाएगा, एज इट इज लिखिए कितना आएगा, 136 आएगा, एज इट इज लिखेंगे तो कितना आएगा 136, ये बन जाएगा ऐसा। इसके बाद दशमलव के बाद दो अंक पे बार है तो नीचे क्या आएगा, दो नौ, इसका जीरो आएगा क्या, नहीं आएगा, दशमलव के बाद जितने अंक पे बार उतना नौ, दशमलव के बाद जितना अंक छूटेगा उतना जीरो, तो दशमलव के बाद दो अंक पे बार है तो दो नौ, लेकिन जो छूटेगा जिसपे बार नहीं होगा उसको माइनस तो करना है, कितना आया 135/99। अभी तीन से कटेगा, तीन का नियम पता है क्या, विभाजिता का क्या है तीन का नियम, ठीक, तीन का नियम बहुत आसान है, याद रखिएगा, नौ का नियम और तीन का नियम एकदम सेम है। तीन का नियम क्या है, अंकों का योग अगर तीन से जाएगा, संख्या तीन से कब जाएगी कैसे चेक करेंगे, तो अंकों का योग अगर तीन से जाएगा तो संख्या भी तीन से जाएगी, अंकों का योग अगर नौ से जाएगा तो संख्या भी नौ से जाएगी। तीन और नौ के नियम बहुत आसान है, किसी संख्या को चेक करना है कि वो संख्या तीन से जाएगी या नहीं जाएगी, तो आप क्या करना, उसके अंकों को जोड़ देना, अंकों का योग अगर तीन से जा रहा है तो संख्या तीन से जाएगी, अंकों का योग अगर नौ से जा रहा है तो संख्या भी नौ से जाएगी। जैसे 135 में अंकों का योग कितना है, नौ, ये देखो अंकों का योग मतलब एक और तीन चार, चार और पांच नौ, नौ नौ से जाता है ना, इसका मतलब ये संख्या नौ से जाएगी, नौ एकम नौ, नौ पचे 45, और ये तो नौ से जा रहा है, आंसर कितना 15/11। तीन से भी काट सकते थे आप, ये देखिए तीन से काट सकते थे आप, तीन चौको 12, तीन पचे 15, तीन त्रिका नौ, तीन त्रिका नौ, फिर से तीन से कटेगा, तीन एकम तीन, तीन पचे 15, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, नौ से एक बार काटिए या तीन से दो बार काटिए। मेन यहां पर मुद्दे की बात है, पी बटे क्यू में लिख पाना, जो कि लिख पा रहे हैं आप, बन जाएगा। लिखो नेक्स्ट,
लिखिए 0.423 पे बार है, ऑप्शंस हैं 491/990, 419/990, ऑप्शन सी है 49/99, ऑप्शन डी है 94/99। बहुत आसान है, ठीक, बढ़िया, फटाफट बनाइए। ऑप्शन बी आएगा, राकेश, गजेंद्र, डोमेंद्र, बहुत बढ़िया, बन गया ऑप्शन बी, ठीक। ज्योति, ठीक है, अनुराधा, प्रीति, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, सरोज, प्रमुख, ठीक है, सुरेंद्र, संगीता, सुनील, ठीक, आ गया ऑप्शन बी, कर पा रहे हो सभी लोग। पी बट्टे क्यू में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले एज इट इज रीड कर लो पूरे को, एज इट इज रीड करेंगे तो क्या आएगा, 423 लिख दीजिए, इसके बाद नीचे का जुगाड़ लगाइए, दशमलव के बाद दो अंक पे बार है तो 29, एक अंक छूट रहा है तो 10, जो छूटेगा उसको तो माइनस करना ही है, कितना आएगा 419/990, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, लिखिए नेक्स्ट। सिक्स सेवन पे बार है, 0.13333 पे बार है, पी बटे क्यू के रूप में बताओ क्या आएगा, दोनों को जोड़कर पी बटे क्यू में पहले कन्वर्ट करना, फिर दोनों को जोड़ देना और बताना क्या आएगा, माइनस करना नहीं भूलेंगे, जो छूटेगा जिसपे बार नहीं होगा उसको माइनस करना नहीं भूलेंगे आप, इसका पी बटे क्यू का रूप लिखिए, इसका पी बटे क्यू का रूप लिखिए, हर अगर समान होगा तो समझा चुका हूं, अंश को जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी आपको, क्या रहा है 47, 56 नहीं आएगा, 53 आएगा, पी बटे क्यू के रूप में कमेंट करेंगे ऑनलाइन वाले, ऑप्शन नहीं है इस बार आपके पास, 47/53/9900। आ गया 47/53/9900, 3433 और 1320, ठीक है, आ गया आप लोग का, आ गया, इधर आया आप लोग का, माइनस क्यों किए हैं, इसका वैल्यू निकाले आप, ये है ना, इसका वैल्यू ये निकाले हैं, दोनों को जोड़ना है, घटाओ यार, 76 कहाँ से आया यार, ये 67 है ना, डेटा देखो मेरा क्या है, 67 है, 76 लिख दिया वापस, 4753/9900 आएगा, ऑनलाइन में आ रहा है सबका, 4753/9900, ठीक, देखिए 4753/9900 आएगा, अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं, यहीं पे साथ में करना इसको, मैक्सिमम लोग क्या किए उसको अलग से निकाले हो, इसको अलग से निकाले हो, यहीं पे सीधे ऐसा करो, पूरे डेटा को एज इट इज रीड करो, क्या आएगा 3467 आएगा, ऐसा दशमलव के बाद दो अंक पे बार है तो 29, दशमलव के बाद दो अंक छूटा है तो 20, और जो छूटा है उसको क्या करेंगे माइनस, यही तो स्टेप्स हैं, यहीं पे पूरे को एज इट इज रीड करो, क्या आएगा 1333, दशमलव के बाद दो अंक पे बार है तो 29, दो अंक छूटा तो 20, और जो छूटा उसको माइनस, लिखेंगे ऐसा, घटा दीजिए क्या आएगा 3433 आएगा, ये डिवाइड बाई कितना 9900, और ये 1320 डिवाइड बाई कितना 9900 आएगा, ऐसा अब दोनों को जोड़ दीजिए, हर समान है, अगर हर समान होगा तो अंश को जोड़ने में कोई लफड़ा नहीं होगा, 4753 डिवाइड बाई कितना 9900, हर अगर समान है तो अंश को सीधे सीधे आप जोड़ सकते हैं, घटाने बोलेगा तो घटा सकते हैं, आ जाएगा। अब समस्या क्या है इस प्रश्न के साथ में ध्यान से देखेंगे, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, जिसपे बार नहीं वो माइनस होगा,
34 पे बार नहीं है तो माइनस हुआ, 13 पे बार नहीं है तो माइनस हुआ, नीचे 2920 क्यों आया समझ आ रहा है, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार तो 29, 2 अंक छूटा तो 20। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? अब समस्या क्या है, प्रश्न ये है, आपका आंसर ये आया है लेकिन ऑप्शंस आपको बार के रूप में दिए गए हैं। ये देखो ऑप्शंस आपको इस प्रकार से दिए गए हैं, ऑप्शंस आपको बार के रूप में दिए गए हैं, इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, प्रश्न ये है, आंसर ये आ रहा है, ऑप्शन ऐसा कुछ है। अब ध्यान से समझना क्या करेंगे, ऑप्शंस बार में जब रहेंगे तो जो बातें बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक तरीका तो यह है कि 9900 से 4753 को भाग देने बैठ जाओ, 9900 से 4753 को भाग देंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा यार, समझ आ रहा, बहुत बड़ा भाग है ये। एक तरीका तो वो है कि भाग देकर भी आपको मिल जाएगा भागफल क्या आ रहा है, लेकिन लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन से ही फटाफट सॉल्व कर लेना, ऑप्शन से फटाफट सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना ऑप्शन से, ये देखिए आपका आंसर कितना आया है 4753 बटा 9900, फटाफट ऑप्शन को सॉल्व करो। पहले वाले ऑप्शन को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 48 बटा 99 होगा ना यार, अब इतना प्रैक्टिस तो हो गया, फटाफट सॉल्व करो। ये वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 44 बटा 90 आएगा, क्या आएगा 44 बटा 90, 48 में 4 माइनस हुआ होगा 44, नीचे 90, मैच हो रहा है क्या, नहीं मैच हो रहा है क्या, नहीं। तीसरे वाले ऑप्शन को सॉल्व करिए क्या आएगा, 4801 डिवाइड बाई कितना, 9900 माइनस कितना 48, कितना आएगा 4753 बटा 9900, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। एक तरीका ये हो गया, समझ आ रहा है। यहां पे तो मेहनत करना पड़ा, आधे प्रश्नों में तो मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, दिख जाएगा तुरंत आपको। वापस से देख लीजिए क्या बोल रहा हूं, प्रश्न आपका ये है, आपने आंसर निकाला 4753 बटा 9900, ऑप्शंस आपके पास बार में ही आ गए, बार में ही ऑप्शंस आपके पास हैं। तो आप एक तरीका यह है कि 9900 से 4753 को डिवाइड करना और देखना क्या मिल रहा है, बहुत टफ काम है, लेंदी काम है, फटाफट ऑप्शंस को सॉल्व करना। पहले वाले ऑप्शन को सॉल्व करो क्या आएगा, 48 बटा 99 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। दूसरे वाले ऑप्शन को सॉल्व करो क्या आएगा, 48 में 4 गया कितना, 44 बटा 90 कर पाओगे ना, सीधे सोचा करो यार, 48 में 4 क्या होगा, माइनस, जिसपे बार नहीं है वो माइनस होता है, 44 बटा 90 मैच हो रहा है क्या, नहीं। 4801 में 48 कम करो, 4753 बटा 9900, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और एक बात, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ए और बी को तो चेक करना ही नहीं था आपको, समझ आ रहा है, क्योंकि 2 ठो 9 और 2 ठो 0 है, 2 ठो 9 और 2 ठो 0 होने का मतलब दशमलव के बाद 2 अंक छूटे होने चाहिए और 2 अंक पे बार होना चाहिए, मतलब या तो सी होगा या तो डी होगा, ए और बी तो हो ही नहीं सकता, समझ आ रहा है। भाग देना बहुत टफ काम हो जाएगा, ये देखिए भाग देने का मतलब ऐसा होता है, 9900 से 4753 को भाग देने बैठेंगे आप, ऐसा, समझ आ रहा है। तो भागफल क्या मिलेगा आपको, भागफल ऐसा मिलेगा 0.48010101, इसी को आप आंसर में क्या टिक करेंगे, 0.48010101 पे बाद। जब भाग देंगे 9900 से 4753 को तो आपको भागफल क्या मिलेगा, 0.48010101, रिपीटेशन पकड़ लेगा, इसी को आप आंसर में क्या देखेंगे, 0.48010101 पे बार। तो टफ काम है, इससे भाग देना इसको बहुत टफ काम हो जाएगा, ऐसा कुछ भागफल निकालना, देख रहे हो कितने बार भाग देना पड़ेगा आपको, तो बहुत टफ काम हो जाएगा। तो ये काम मत करना, आप ऑप्शन से ही चेक कर लेना, आपका आंसर 4753 बटा 9900 आया, कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर आपका उत्तर मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी को सॉल्व करने पर आपका उत्तर मैच हो रहा है। अब एक बात ये ध्यान रखना, जब भी ऑप्शंस आपके बार में होंगे, ध्यान से समझना, जब भी ऑप्शंस बार में होंगे तो कटपिट हो भी रहा होगा तो कटपिट मत करना,
समझ आ रहा है? कट पिट थोड़ा बहुत हो भी रहा होगा ना, तो कट पिट मत करना, एकदम स्टैंडर्ड निकालना, कट पिट मत करना। अगर यहां कट पिट किए तो फिर यहां पे भी कट पिट करना पड़ेगा आपको, समझ आ रहा? काम बढ़ेगा आपका। तो जब ऑप्शंस बार में ही होंगे तो कट पिट मत करना, स्टैंडर्ड निकालना जो आ रहा है, और उसको चेक कर लेना कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर वो उत्तर आपका मैच हो रहा है। ऑप्शंस बार में ही रहते हैं मैक्सिमम, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं व्यापम में, पीएससी में, ऑप्शंस बार में ही रहते हैं। तो ऑप्शंस बार में ही रहेंगे तो आपको क्या करना है, बिना कट पिट किए स्टैंडर्ड निकाल के छोड़ देना और देखना कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर आपका उत्तर मैच हो रहा है। यहां कट पिट किए तो फिर यहां भी करना पड़ेगा, काम बढ़ेगा आपका। तो ऑप्शंस बार में होंगे तो कट पिट मत करना, स्टैंडर्ड निकाल के छोड़ना, ऑप्शन से मैच कर लेना। क्वेश्चन लिखिए, बहुत आसान है, लिखिए, थोड़ा सा काम बढ़ रहा है आपका बस। 3.68 पे बार है, -2.79 पे बार है। ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं, 0.4545 का बार, 0.4949 का बार, 0.8888 पे बार, 0.4848 पे बार। इसको P बटे Q में कन्वर्ट करिए, आसानी से कर पाएंगे। इसको P बटे Q में कन्वर्ट करिए, आसानी से कर पाएंगे। फिर घटा दीजिए, हर समान है तो घटाने में भी लफड़ा नहीं होगा आपको। तो ठीक आ रहा है ऑप्शन सी, बनाओ भाई ऑनलाइन वाले जल्दी से। इसको P बटे Q में कन्वर्ट करो, इसको P बटे Q में कन्वर्ट करो, उसके बाद घटा दो, आंसर दिखेगा आपको। ज्योति ठीक है, ऑप्शन सी, अनुराधा ऑप्शन सी आएगा, बढ़िया ठीक है, आया। अब तो ओरली करो भाई, 368 में सीधे अपने मन में 3 को घटाना सीखो। अब 368 माइनस 3 कितना होगा, 365/99, सीधे लिखना सीखो। अब स्टेप्स को स्किप करो, थोड़ा सा दिमाग में चलाओ ना यार, पूरे को रीड किया, 368 3 माइनस होगा जिसपे बार नहीं है, 365/99 ये कितना होगा, 279 माइनस 2 277/99। तो अपने दिमाग में चलाओ, अब जिसपे बार नहीं होता वो माइनस होता है, उसके बाद घटा दो, कितना आएगा, 88/99। देख लो कौन से ऑप्शन में 88/99 छुपा है। सरोज, सुरेखा, धर्मेंद्र, प्रीति ठीक है, आ गया 88/99। पीछे आ रहा है क्या, 88/99 ऑप्शन सी को सॉल्व करने पर आएगा। अब 88/99 को आप काट के 8/9 लिखेंगे तो फिर यहां पे भी कट पिट करना पड़ेगा, इसीलिए स्टैंडर्ड बोल रहा हूं छोड़ दो निकाल के। इधर बना आप लोग से, इधर बन गया, 88/99 आ रहा है ठीक। पूरे डेटा को अपने मन में रीड करो, 368 है, 3 माइनस करो कितना, 365, सीधे लिखने का आदत डालो यार। आप लोग ऐसा लिखेंगे चलेगा, लेकिन थोड़ा सा सीखने के बाद स्टेप्स को स्किप करना सीखो। ऐसा लिखे होंगे आप लोग, 368 दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है तो 2 9 जीरो आएगा क्या नीचे, नहीं आएगा ना, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार 2 9, जो छूटा है जिसपे बार नहीं है वो माइनस होगा ही। ये कितना होगा, 279 माइनस 2 डिवाइड बाई कितना, 99, 365/99 माइनस 277/99, सीधे लिखना था आपको ये, 368 अपने मन में रीड किए, 3 घटेगा 365/99, 279 2 घटेगा 277/99। हर समान है तो अंश को जोड़ना घटाना आसान है, कितना आएगा घटाने पर, 88, 88/99 कट पिट मत करो, देखो कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर 88/99 आएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन को जब चेक करेंगे थोड़ा सावधानी रखना, जल्दबाजी में टिक मत कर देना, कभी कभी जो दिखेगा वो होगा नहीं, थोड़ा सावधानी से ऑप्शन को देख लेना, सॉल्व कर लेना,
कभी कभी यहां पे जो दिखेगा यहां पे होगा नहीं वो। लिखो क्वेश्चन, सावधानी रखना ऑप्शन को चेक करते समय, जल्दबाजी मत करना। 0.37, 0.63, 0.80, इसको सॉल्व करिए। ऑप्शंस आपके सामने है इस प्रकार के, 1.80 80 का बार, 1.79 79 पे बार, 1.81 81 पे बार, 1.82 82 पे बार। सावधानी रखना, जल्दबाजी में आंसर टिक करोगे तो आंसर को ए बोल दोगे। थोड़ा सावधानी रखना, जल्दबाजी में आंसर को ए मत बोल देना। समझ आ रहा है? देखो जैसे आप बोल दी हो ऑप्शन ए। 180/99 कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर आएगा? आराम से देखो क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ध्यान से बनाइए, 180/99 देख के ए को टिक मत करो यार, वही तो समझा रहा हूं। 180/99 को देखे और ए को टिक कर दिए, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या बनेगा, 179/99 बनेगा। समझ आ रहा है? इसीलिए बोल रहा ऑप्शन को थोड़ा सावधानी से देखना, जल्दबाजी में आंसर टिक मत करना। 180 को देखे ऑप्शन ए को टिक कर दिए, ये गलती मत करना यार। ऑप्शन ए को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 180 - 1 179/99। ऑप्शन सी बनेगा आपका, 180/99। ऑप्शन को चेक करते समय थोड़ा सावधानी रखना, वरना फिर गलत हो जाएगा, इतना लेक्चर अटेंड करने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। कितना लिखेंगे इसको, 37/99। इसको क्या लिखेंगे, 63/99। इसको क्या लिखेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पूरे को रीड किया, 37 दो अंक पे बार है तो 2-9। पूरे को रीड किया, 63 दो अंक पे बार है तो 2-9। पूरे को रीड किया, 80 दो अंक पे बार है तो 2-9। हर समान है, हर समान है तो अंश का कैलकुलेशन सीधे सीधे कर दो, कितना आएगा, 180। 37 और 63 100, 100 और 80 180, 180/99। कट पिट मत करो, ऑप्शन ए को टिक मत कर देना। 180/99 आया, ठीक। कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर ये आएगा, ये भी तो आपका प्रश्न ही है ना। ऐसा तो है ना कि ये कुछ अलग है, ये तो सीख गए है ना आप। अब बताओ ना, चलो इसको बताओ, ये वाले ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, चलो बताओ इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। ऑप्शन ए को सॉल्व करिए, क्या आएगा, कितना आएगा। ऑप्शन ए को सॉल्व करिए, कितना आएगा। ऑप्शन ए को सॉल्व करिए ना, उसको छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करिए, इसको पी बट्टे क्यू में कन्वर्ट करिए, कितना आएगा। बताओ, 1.80 80 पे बार है, इस ऑप्शन ए को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है बताइए मेरे को, कितना आ रहा है बताइए। हाँ, डिवाइड बाई कितना, जीरो क्यों लगाए हो, आएगा 179/99 आएगा। आपका आंसर कितना है, 180/99। ऑप्शन ए को सॉल्व किए तो आपका कितना आया, 179/99। तो क्या मैच होगा, ये नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, आपका आंसर आया 180/99। कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर 180/99 आएगा, तो ऑप्शन ए को आपने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, 180 - 1/99, 179/99। तो क्या आपके आंसर से इसका सॉल्यूशन मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऑप्शन ए काट दो। सेकेंड वाले ऑप्शन को सॉल्व करो, अब ओरली करो, 179 में से एक कम हुआ होगा, 178 आएगा, ये डिवाइड बाई कितना, 99। तो क्या आपके आंसर से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको सॉल्व करो। तीसरे वाले ऑप्शन को, 181 में एक कम हुआ होगा, कितना आएगा, 180/99, मैच हो गया, देखो ऑप्शन से। समझ आ रहा है? इससे पहले वाले प्रश्न को देखो, ध्यान दो यहां पर, इससे पहले वाले प्रश्न में कितना आया था, 88/99, ध्यान दो यहां पर कितना आया था, 88/99। अब देखो
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 45/99 आएगा ना, मैच हो रहा है क्या, नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 49/99 मैच हो रहा है क्या, नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 88/99 मैच हो गया, बन जाएगा। ऑप्शंस को सॉल्व करना, कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर आपके उत्तर से मैच हो जा रहा है। हड़बड़ी ये मत करना कि 180 को देखे और इसको टिक कर दिए, इसको ध्यान से देखना। 180 में एक कम होगा, ये क्या देगा, 179/99। ये क्या देगा, 178/99। ये क्या देगा आपको, 180/99। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बनेगा। लिखो नेक्स्ट, अंतिम प्रश्न लिखो आज का। दो तीन प्रश्न बचेगा, गुड़ा वाला बचेगा, एक भाग वाला बचेगा, दो तीन प्रश्न बचेंगे, उनको कल कराऊंगा फिर, मतलब मंडे को। नेक्स्ट वीक क्लास लगेगी मेरी, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीक मंडे से लेके पूरा मेरी क्लास रहेगी, मंडे से क्लास रहेगी। अगले वीक पूरा बेसिक खत्म कर दूंगा मैं, अगले वीक मैथ्स की पूरी क्लास चलेगी, फ्राइडे सैटरडे तक पूरी चलेगी, तो जो पूरा का पूरा बेसिक है पूरा खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक पूरा खत्म हो जाएगा। ये लिखिए, 3.36 सीडीपी भी लगेगा आपका, जो चल रहा है सेम वही चलेगा, इंग्लिश का देख रहे हैं मंडे से जहां तक है लगेगा आपका। आराम से बनाना, कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा सावधानी रख के आंसर देना, सही आंसर देना, क्योंकि अंतिम प्रश्न है ये। अब तो ओरली करो यार, पूरा पूरा लिख के मत क्या करो, 336 में तीन कम करिए, 333/99 ऐसा लिखने का आदत डालो अब सीधे। कृष्णा कौन सा बता रहे हैं, 180 बोलेंगे उसको, कृष्णा 180/99 ना, ये देखो पूरे को रीड करेंगे, पूरे को, केवल 81 को मत करना, पूरे को रीड करना, 181-1 180/99। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, बी आ गया, 262/99 को देखकर ऑप्शन ए को टिक मत करना, वही समझा रहा हूं, समझ आ रहा है, पहले 262/99 तक पहुंचो आप लोग, और 262/99 को देखकर जल्दबाजी में ऑप्शन ए को टिक मत करना, बार बार यही बोल रहा हूं। बनाओ, कोशिश करो, पहले बी आएगा, ठीक है, सरोज, अनुराधा, ठीक है, ज्योति आ गया, कौन सा ऑप्शन मैच होगा, बी, ठीक, जोड़ना घटाना सिखाया हूं, अपने हिसाब से काम करो, जोड़ने घटाने में आपका जो मन करता है वो कर सकते हैं। ये कितना 69 कहां से आ रहा है, 9 कहां से आया, ये ठीक से करो, पूरा जोड़ घटाओ आराम से करो भाई, 262/99 आएगा लास्ट में, और देखो कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर 262/99 आएगा। ओरली देखो यार, पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बताओ कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर 262/99 आएगा, क्या आएगा, ठीक, ऑप्शन ए को सॉल्व करने पर कितना आएगा, 260 बोलो, 260। ऑप्शन सी को सॉल्व करने पर कितना आएगा, बटा, और ऑप्शन डी को सॉल्व करने पर कितना आएगा, 259/99। तो आपका आंसर आ रहा है 262/99, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फिर। आ गया, आया आप लोग का, बन रहा है ना पूरा, इधर आप लोग का समझ आ रहा, 262/99 जो है वो कैसे ऑप्शन बी होगा। तो आप लोग का 262/99 आया, ऑप्शन सी को सॉल्व करने पर, सॉरी ऑप्शन बी को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 262/99। आप रिकॉर्डिंग्स को देखिएगा एक बार घर जाके, और रिकॉर्डिंग्स को देख के आएंगे कल आप।
अब तो ओरली कर पा रहे होगे ना इसको, पूरा लिखने की आवश्यकता तो नहीं है। 336 में तीन कम किए होंगे, पूरे को रीड करना भाई, 36 में तीन कम करके 33 मत लिख देना इसको, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलतियां हो रही हैं। पूरे को रीड करना, पूरे को रीड करना, बार बार ऐसा गोला मार रहा हूं यार। 336 में तीन कम किया कितना आएगा, 333 डिवाइड बाई कितना, माइनस है तो माइनस लिखिए। 205 में दो कम किया कितना आएगा, 203/99। 133 में एक कम किया, 132/99। लिख पाएंगे ऐसा, हर में सबके 99 है तो लिख दीजिए 99। 333 माइनस 203 प्लस 132 होगा ऐसा। हर समान है तो फिर अंश में जो है वो लिख दो, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हर अगर समान नहीं होगा तो क्या करते हैं, एलसीएम लेकर जोड़ते घटाते हैं। यहां पर हर समान है, 333 में 203 को घटाओगे तो क्या आएगा, 130। जोड़ने घटाने में आपका जो मन करता है पहले वो करो, 333 में 203 घटाओ 130, 130 और 132 कितना हो जाएगा, 262/99। कट पिट मत करो, 262/99 कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर आएगा। अब ओरली कर सकते हो यार, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 260/99। 262 में दो कम किए होंगे, 260/99 खत्म हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 264 में दो कम करेंगे, 262/99। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। हर अगर समान नहीं होगा तो क्या करेंगे, एलसीएम लेकर जोड़ेंगे घटाएंगे। सिखाया हूं ना, हर अभी तक के प्रश्नों में समान था, ये देखिए यहां पर हर में केवल 99 था, यहां पर भी हर समान ही था। अभी तक जितने भी प्रश्न आपने किए हैं उनमें हर समान था। दो तीन प्रश्न बचे हैं, एक गुणा का प्रश्न बचा है, एक भाग वाला बचा है और एक दो प्रश्न और हैं। तो कल मतलब मंडे को क्लास जब होगी तो 15-20 मिनट और लगेगा, ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। कोई डाउट तो नहीं यहां तक, बन जाएगा। मंडे को एक और प्रैक्टिस शीट ले लीजिएगा, प्रैक्टिस शीट के सारे प्रश्न बन गए होंगे, अब किसी प्रश्न में डाउट तो नहीं है, बनाए हैं। चलिए।